ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन बीते सालों में इस टूर्नामेंट ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। वर्ल्ड कप के कई पुराने दिलचस्प मुकाबलों में खिलाड़ियों को क्रिकेट फील्ड पर अपना आपा खोते भी देखा गया है। नमस्ते, मैं शिवम हूं और आप हैं मंच पर। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक से बढ़कर एक बेहतरीन मुकाबले हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोमांचक मुकाबले हुए जहां खिलाड़ियों ने अपना आपा खो दिया और काफी समय बीत जाने के बाद भी वो झगड़े आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। बात साल 2007 की है। पहला T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था। एक समय मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था। युवराज सिंह और एंड्रू फिंटॉफ के बीच किसी बात को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई। उसी बीच फिंटॉफ ने जाते जाते युवराज को गंदे इशारे कर दिए। फिर क्या था, युवराज ने भी 6 गेंदों पर 6 छक्के उड़ा दिए। ऐसा कहा जाता है अगर फिंटॉफ युवराज को ना गुस्सा दिलाते तो शायद 6 छक्के ना पड़ते। साल 2007 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच चल रहा था। तेज गेंदबाज श्रीसंत गजब की लय में थे। शुरुआती ओवर्स में ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन और श्रीसंत के बीच तीखी बहस हो गई। बाद में श्रीसंत हेडन को आउट करने में भी सफल हुए। हालांकि ज्यादा अपील करने के कारण श्रीसंत पर मैच फीस का 25% जुर्माना भी लगाया गया था। बांग्लादेश के बल्लेबाज लिट्टन दास और श्रीलंका के गेंदबाज लाहिरू कुमारा पिछले साल एक मैच में भिड़ गए थे। दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। बाद में हाथापाई की भी नौबत आ गई थी, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी मोहम्मद नईम ने लाहिरू कुमारा को धक्का दे दिया था। अंपायर्स ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया था। अब देखना है इस बार के T20 वर्ल्ड कप में क्या नई कंट्रोवर्सी क्रिकेट फैंस को देखने को मिलती है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।